जो कोविड के कारण नुकसान हुआ है उसमें जो प्रमुख सेक्टर है, हालांकि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसमें से एक सेक्टर हमारा ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है जिसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि लॉकडाउन का दौर था। तो लॉकडाउन के दौरान पूरा ट्रांसपोर्ट बंद था, सिर्फ उस वक्त उन्हीं गाड़ियों को परमिशन दी गई थी लॉकडाउन के दौरान जो असेंशियल कमोडिटीज के इस दायरे में आती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस वक्त बिल्कुल बंद था। हमने कोशिश की है प्रदेश के अंदर कि जो सेक्टर प्रभावित हुए हैं उनको समय समय पर मदद करने की। कुछ रिलैक्सेशन हमने अलग अलग सेक्टर को अलग अलग से दी है, मैं समझता हूं उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो वो बहुत लंबा जाएगा विषय। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अगर हम बात करें, इसकी हम बात करें, तो हमने उसमें जो कोविड के कारण जो प्रभावित जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ था उसके लिए कुल मिलाकर के 62 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की हमने बात कही थी। यानी कि उस वक्त का जो है उनका, चाहे वो टोकन टैक्स की बात कही है उसमें भी राहत, और एसआरटी की बात कही उसमें भी राहत दी थी, इन दोनों चीज में राहत दी थी, और यात्री कर में तो नहीं शायद मिले, यात्री कर तो अलग से है, तो इन चीजों में हमने राहत दी थी, और इनको मिला करके कुल मिला करके 62 करोड़ रुपीज की जो राहत इस तरह से उनको प्राप्त हुई थी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं। लेकिन बार बार इस बात को लेकर के आग्रह आता रहा कि हमारा नुकसान बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके बाद हमने 50% पैसेंजर के साथ जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिस्टोर कर दी, दोबारा शुरू कर दी, तो ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बस तो पूरी चलती है, ड्राइवर भी उसमें होता है, कंडक्टर भी होता है, ड्राइवर की भी सैलरी होती है, कंडक्टर की भी सैलरी होती है, टायर भी वो उसमें उतना खाती है, डीजल भी उतना खाती है, तो 50% के उसके हिसाब से भी हमारी क्षति जो है वो उस तरह से पूरी नहीं हुई, उसमें भी हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें भी हम घाटे में, मतलब उनका कहना कि कोविड के कारण उसमें भी हम नुकसान के उस दौर में भी रहे। उनका कहना था कि हमारे जितने भी ये जो कोविड के कारण जो प्रभावित हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर रहा है, 30 नवंबर तक उनका आग्रह था कि भाई उस बात के लिए, हालांकि वो तो और भी ज्यादा मांग कर रहे थे, लेकिन 30 नवंबर तक विशेष तौर से वो आग्रह कर रहे थे कि भी हमारा ये सारी चीजों को जो है वो, चाहे वो टोकन टैक्स है चाहे वो एसआरटी है, उसको जो है माफ किया जाए। तो हमने उसका इवेल्युएशन किया, कैलकुलेशन किया, हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि नुकसान उनका जरूर हुआ है, और नुकसान एक वर्ग का नहीं, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें सबको क्षति हुई है, और भरपाई करना सबका सबके लिए ये संभव भी नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को, उनकी बात को माना, कहा कि बसें खड़ी रही, टायर सड़ गए, बसों में घास जम गई, उस स्थिति का हमको सामना करना पड़ा। तो इसलिए उनका आग्रह था कि विशेष तौर से आप हमको ये रियायत जो है वो दो चीजों की विशेष रूप से 30 नवंबर तक हमको प्रदान करें। पिछले कल शिमला में हमारी बहुत विस्तार से बैठक हुई अधिकारियों के साथ, उनको कहा था आप इवेल्युएट करो और कैलकुलेट करो सारी चीज को, तो वो कैलकुलेशंस सारी की गई हैं, और उसके साथ साथ में जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनका भी इस बात के लिए आग्रह था कि हमें ये राहत जो है वो हमें भी, हमको हमारा भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए हमको भी इसमें जो है राहत दी जाए, हमें भी मदद की जाए। और उनका तो विशेष तौर से जो
यात्री का पैसेंजर टैक्स के का जिक्र है, तो पैसेंजर टैक्स के लिए उन्होंने कहा था कि हमको उसमें राहत दी जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक राशि बनती है पूरा प्रदेश भर में। हमने जो कैलकुलेशन के माध्यम से जो निकाला है, और उसमें हमारे स्कूल की बसेज भी शामिल हो रही है, स्कूल बसेज उसमें शामिल हो रही है उसमें। अगर उसमें टैक्सी मैक्सी कैब बसेज ऑटो की अगर हम टोटल नंबर का अगर हम स्टेट का जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो नंबर है, तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है। लगभग ये नंबर है 46,197 और स्टेज कैरेज बसेज जो है वो 3,450 है, और स्कूल बसेज का नंबर जो है हमारे पास जो है जो जिनका रजिस्ट्रेशन है जो रिकॉर्ड पे है 3,184। कुल मिला करके ये नंबर बनता है टोटल सबको मिला करके, जो टैक्सी मैक्सी और उसके बाद बसेज हो गए, ऑटो रिक्शा हो गए, उसके बाद हमारी जो स्टेज कैरियर बसेज हो गई, स्कूल बसेज हो गई, बनता है 52,831 टोटल बनता है ये कुल मिला करके। और जैसा कि मैंने बताया कि हमने मदद करने की मंशा पहले से रखी है, उस मंशा के अनुरूप जो हमने पहले ही उनको एक राहत दे दी थी, 62 करोड़ की राहत हम पहले भी छूट दे चुके हैं। अभी जो हमने इसमें जो राहत देने के लिए जो उनका प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया है कि नुकसान हुआ है। हालांकि प्रदेश की माली हालत भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मदद कर पाए, लेकिन उसमें जो उनसे जो देनदारी बनती थी टैक्स के रूप में हमारे इसमें, तो वो अमाउंट जो है मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा टोकन टैक्स बनता था उसको हम 30 नवंबर तक उसको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उनको छूट दे रहे हैं, वो बनता है 19,32,00,000 टोकन टैक्स। एसआरटी का जो पैसा बनता है 30 नवंबर तक 35,13,00,000 35,13,00,000 ओनली। और उसके बाद जो पैसेंजर टैक्स जिसको यात्री कर बोलते हैं वो बनता है 36,67,00,000 36,67,00,000 और कुल मिलाकर के ये टोटल बन रहा है 91,12,00,000 रुपए 91,12,00,000 रुपीज ये कुल राशि बनती है। और हमने आज ये निर्णय लिया कि इस जो इस अमाउंट को इसमें हम इन जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे टैक्सी इंक्लूडिंग हमारे स्कूल बसेस उन सब को जो है वो ये रियायत दे रहे हैं, ये छूट दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के पिछले हमने 62 करोड़ की दी थी और अब की हमारी 91.12 करोड़ की हो गई, और कुल उन दोनों को अगर मिलाकर के अगर हम देखें तो ये 164 करोड़ रुपए की राहत हमारे ट्रांसपोर्टर सेक्टर को दी गई। और ये मैं समझता हूं कि मैक्सिमम जो किया जा सकता था वो हमने करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम किया है। और इसके साथ मैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है विशेष तौर से कि वो भी अब सारे विषयों को लेकर के, क्योंकि लॉसेस सबके हुए हैं, नुकसान बहुत हुआ है, और अब सहयोग जिस प्रकार से वो कर ही रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो सब मिलकर के हम काम करें। और हमारी यही कोशिश रही है हमेशा कि इस कोविड की सिचुएशन के कारण जो प्रभावित सेक्टर है उसमें उनकी मदद की जाए। और विशेष तौर से विधानसभा के सत्र के दौरान भी ये मामला उठा था। इससे पहले मुझे विधानसभा के सत्र से पहले भी सितंबर के महीने में हमारे ट्रांसपोर्ट के जो हमारे यूनियन के जो जितने भी हमारे संगठन हैं वो हमको मिले थे, यहां पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन लोगों ने भी आग्रह किया था, प्रस्ताव किया था, प्रपोजल दिया था, और उन सारी बातों को लेकर के उस वक्त भी हमने एग्जामिन करने के लिए कहा था। और उसके पश्चात फिलहाल अभी आज भी हमारी उनके साथ विस्तार से बातचीत हुई है, जो यूनियन के हमारे स्टेट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके साथ और टैक्सी यूनियन के साथ भी उन
उनके प्रेसिडेंट के साथ, उनके पदाधिकारियों के साथ हमारी सब लोगों के साथ बातचीत हुई है और बातचीत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो सरकार बेस्ट पॉसिबल ऐसी सिचुएशन में ऐसे हालात में जो कर सकती थी वो हमने आपको बताया कि कुल मिलाकर पिछला और अभी का मिलाकर के 164 करोड़ रुपीज की जो है वो जरूरत ये दी है। और उसमें एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो निजी बस ऑपरेटरों को जो कार्यशील पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना हमने लाई थी वर्किंग कैपिटल के दृष्टि से, और जिसमें ऑपरेटरों को 11 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 11 करोड़ रुपए जो है वो इसमें शामिल है, इस 164 में वो शामिल है, तो वो भी उसमें शामिल है, तो उसमें भी वो अपनी मदद का रास्ता जो मिल सकता है उनको वो उसमें हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोविड के कारण जो प्रभावित सेक्टर है, भिन्न सेक्टर है, हमने इंडस्ट्री सेक्टर को भी थोड़ा सा मदद करने की कोशिश की, टूरिज्म सेक्टर में हमारे पर्टिकुलर जो हमारे होटलियर एसोसिएशन की ओर से जो प्रस्ताव आए थे उसमें उनके लिए भी मदद करने की कोशिश की, बिजली पानी के जो बिल वगैरह सारे उस वक्त उस दिशा में हमने वो माफ पर्टिकुलर उस पीरियड में माफ करने के लिए हमने उसमें कहा था, रेफर करने के लिए कहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। और ऐसे में कुल मिलाकर के आज मुझे ये आपको जानकारी बताते हुए पसंद था कि एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है प्रदेश के विकास में उनके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। गाड़ियां चलती हैं तो जीवन चलता है, गाड़ियां रुकती हैं तो थम जाता है जीवन, तो इसलिए इस लाइफलाइन को बनाए रखने के लिए उसमें आर्थिक दृष्टि से उनके ऊपर जो जिस प्रकार का संकट इस कोविड के कारण आया है उसमें राहत देने की दिशा में ये हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा कदम है जिसके मैंने आज भी आपके सामने घोषणा की। जो गैप था वो भी इसमें कवर हो रहा है, ये है 1 अप्रैल 2020 से और अप टू 30 नवंबर 2021। हाँ जी, जो ये तीन चीजों का मैंने कहा कि टोकन टैक्स में और SRT की बात करें और पैसेंजर टैक्स, तीन चीजें बताया। ये भी हम उसमें शामिल भी जाएंगे, नेशनल क्लेम करेंगे जाएंगे।